अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो चले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। यहाँ हम बना रहे हैं नमकीन गोश्त। ताज़ा ताज़ा गोश्त है गाय का, कुर्बानी का। तो ये आया है अभी बन के, तो मैंने देखे धो के और मैंने इसको छन्नी में रख दिया है। ये इस तरह का हड्डी वाला है, ये चपटी हड्डियाँ, ये इस तरह का चिकना गोश है। ज़्यादातर ये इस तरह की चपटी हड्डियाँ हैं। इसी का नमकीन गोश बहुत मज़े का बनता है। ये कम से कम 1.5 से 2 किलो है। ये हम डाल देंगे कुकर में। कोई इसमें तेल नहीं जाएगा, ये अपना ही देखिएगा तेल कितना छोड़ेगा गोश। और ये इसमें ज़्यादा गोश्त नहीं होता, यही हड्डियाँ जो मैंने आपको दिखाई हैं इस तरह की गोश्त लगी हुई, ये इन्हीं का बहुत मज़े का बनता है। 2 से 2.5 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। कुर्बानी का गोश्त वैसे खुद भी पानी छोड़ता है, मैंने इसको छन्ने में रखा था। देखें ये पानी चला गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च चली जाएगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून जितना, नमक हम डालेंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, बाद में हम चख लेंगे नमक। और अब इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी कुटी मिर्च। बस टोटल हमारे यही मसाले हैं और इसमें कोई मसाला नहीं है। थोड़ा सा इसको हिला लेंगे हम। इतना मज़ेदार ये बनता है, इसको केचप से खाएं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। अब हम इस पे प्रेशर लगा देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया है। 15 से 20 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे और बस हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए कुकर हमने खोल लिया है नमकीन गोश्त का, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी है, ऑयल इसने खुद ही छोड़ा है, मैंने ऑयल नहीं डाला था। ये देखें अब मैं इसके अंदर भूनते वक्त 1/2 टीस्पून काली मिर्च और डालूँगी। चार से पाँच मिनट इसको तेज़ आंच पर हम भूनेंगे और मज़ेदार सा हमारा नमकीन गोश्त रेडी है। ये देखिए इतना अच्छा गल गया, देखें कि हड्डी अलग हो गई है बिल्कुल। चलें हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखिए मैं इसको दिखाती हूँ, चूल्हा कर दिया है बंद, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, इतना अच्छा गला है ये गोश्त कि देखें हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।